दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही टेस्ट सीरीज का खुमार तो लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है, क्योंकि जहां भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को घुटनों पर झुका दिया और सीरीज में बढ़त बनाई थी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए तीसरे टेस्ट में भारत को हराकर फिर एक बार सीरीज को बराबर कर लिया। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको प्रेडिक्टेड हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं कि चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खिलाड़ियों की फॉर्म के आधार पर किस तरह का हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज, जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 2 सितंबर से ओवल के मैदान पर खेला जाना है। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में टॉस को जीती है तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है तो पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और केएल राहुल फिर एक बार करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ियों की फॉर्म के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि 70 से 80 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाज पहले विकेट के लिए आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा से भी 50 रन की उम्मीद तो आसानी से की जा सकती है, जबकि केएल राहुल भारतीय टीम के लिए आसानी से 70 रनों का योगदान दे सकते हैं। शुरुआती तीन बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए 170 रन बना देंगे। उसके बाद कप्तान विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म से गुजर रहे हैं, 40 से 50 रन का योगदान वो आसानी से दे सकते हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के आधार पर अजिंक्य रहाणे 50 रन का योगदान आसानी से दे सकते हैं। कुल मिलाकर भारतीय टीम में शुरुआती पांच बल्लेबाज टीम को 280 रन तक आसानी से ले जा सकते हैं, जबकि उसके बाद ऋषभ पंत अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अगर 50 रन का योगदान भी दे देते हैं तो भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। उसके बाद अश्विन भी 20 से 30 रन का योगदान दे ही सकते हैं, जबकि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी को देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गेंदबाज अंतिम समय में 20-20 रन का योगदान आसानी से भारतीय टीम के लिए दे सकते हैं, जबकि भारतीय टीम पहली पारी में 400 रन से लेकर 425 रन तक पहुंच सकते और ओवल के मैदान पर तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए काफी खड़ी हो जाती है मुश्किलें। और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को 50 रन के अंदर वापसी दिखाने का मादा रखती है, जबकि कप्तान जो रूट टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। जो रूट को 50 रन के अंदर अगर मोहम्मद सिराज आउट कर देते हैं तो भारतीय टीम 100 रन के अंदर इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा लेगी और मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में तो कोई ऐसा खिलाड़ी इंग्लैंड के पास मौजूद नहीं है जो अपनी खतरनाक फॉर्म से गुजर रहा हो, और मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के आगे तो जॉनी बेयरस्तो तो क्या कोई भी नहीं चलने वाला। जॉनी बेयरस्तो 40 रन के अंदर आसानी से आउट हो सकते हैं। उसके बाद मोइन अली और सैम करन जैसे बल्लेबाजों को कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर भारतीय तेज गेंदबाज अटैक को देखते हुए इंग्लैंड की टीम को आसानी से 250 रन के आसपास भारतीय गेंदबाज समेट देंगे और भारत के पास लगभग 150 रन की बढ़त होगी, और इसके बाद तो भारतीय टीम इस मुकाबले में लगभग 70% उम्मीदें आगे ही रहेंगी कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि टीम के पास बॉलिंग अटैक काफी शानदार है और इंग्लैंड को आसानी से धराशायी करने की काबिलियत रखती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, आप सभी को क्या लगता है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।